दोस्तों आप देख रहे हैं निहाल 45 कुमार। और दोस्तों अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए वैसे ही अच्छे वीडियो लेते आऊँगा। और इस वीडियो में मैं आपको बूट लोडर ही से जुड़े एक बात बताऊँगा, और वो यह है दोस्तों कि अगर आपने पिछले एपिसोड वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं। और अगर आपने उसे अनलॉक कर दिया होगा तो आपको जब आप सिस्टम खोलेंगे तो आपको एक मैसेज शो कर रहा होगा जो कि वार्निंग मैसेज है बूट लोडर द्वारा। तो आप सोचते होंगे कि बार बार मैं जब उस फ़ोन बंद करूँगा खोलूँगा तो वो 5 सेकंड तक बार बार वो वीडियो मुझे दिखाएगा। तो दोस्तों उसके लिए एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे फिर आप अपने बूट लोडर का वो मैसेज को हटा सकते हैं। तो दोस्तों उसे शुरू करने से पहले मैं आपको उस बूट लोडर का कुछ वो मैसेज का एक इमेज दिखाता हूँ कि वो कैसा लगता है। तो वो देखिए, बूट लोडर का मैसेज कुछ इस प्रकार का दिखता है दोस्तों। लोगों दोस्तों आपने देखा कि वो उस प्रकार का मैसेज आपके फ़ोन में बार बार दिखाई देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसे हटाते कैसे हैं मैं उसकी एक ट्रिक बताता हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा मोटो G4 Plus है, और ये जो अनलॉकिंग प्रोसेस है वो भी मोटो G4 Plus ही के लिए है। तो दोस्तों इसे आप अपने दूसरे फ़ोन में ना यूज़ करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये होगा दोस्तों कि आपको कुछ ऐसा एक साइट है इस पर आपको जाना होगा, रिमूव बूट लोडर अनलॉक वार्निंग। फिर आपको क्लिक यहाँ क्लिक करना होगा दोस्तों। आपका जब वेब पेज खुल जाएगा तो आपको कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको ये तीनों फाइल डाउनलोड करना होगा दोस्तों। ऐसा आपने डाउनलोड किए हुए होगा, आपको ये फाइल एक अलग से डाउनलोड करना होगा कि ये दो फाइल आपके पास पहले से होंगे जब आपने अपना बूट लोडर अनलॉक किया होगा। डिवाइस मोटर डिवाइस मैनेजर और पासवर्ड ये मिनिमल ADB ही जैसा है, और आपके पास ये फाइल होना चाहिए लोगो जिप। तो मैं इन तीनों का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और फिर आपको करना ये होगा दोस्तों कि आपको अपना कमांड विंडो खोलना होगा मिनिमल ADB में जाके। और वहाँ पे सबसे पहले आपको कमांड विंडो खोलने के बाद आपने जहाँ भी अपना लोगो को रखा होगा उसको कॉपी करके दोस्तों आपने मिनिमल ADB पासवर्ड फोल्डर में ले आइएगा। कॉपी करके कमांड विंडो खोलने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कमांड विंडो खोलते कैसे हैं, उसके लिए आपको शिफ्ट और राइट माउस बटन दबाना पड़ता है। और आपके पास ऐसा एक रहता है जिसमें कमांड विंडो लिखा रहता है। कमांड विंडो दोस्तों खोलने के बाद आपको करना ही होगा ऐसा है, तो आपको ये चीज़ टाइप करनी होगी mpassport/logo.bin। ये खोलने के लिए दोस्तों ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। ये यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों। कॉपी करने के बाद इसे कमांड विंडो में पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपको अपने फ़ोन को फास्टफूड मोड में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना यह होगा कि आपको अपने फ़ोन का स्विच ऑफ करना होगा।
स्विच ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको उसे फास्ट बूट मोड में डालने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन की को एक साथ प्रेस करना होगा। और देखिए आपके सामने ये खुल जाएगा। इस प्रकार फिर आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। सॉरी इसके लिए मैं कैमरा डाउन कर रहा हूँ। अपने फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, फिर आपको अपने कमांड विंडो में जाना होगा और यहाँ जो अपने कमांड लिखा है उसे इंटर करना होगा। तो आप देखिए इंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का कमांड वापस आएगा। आपको अपने फ़ोन को USB केबल से निकाल देना है, उसे ऑन करना। तो आपका दोस्तों मैसेज देखिएगा गायब हो जाएगा, आपको फिर कोई मैसेज ही नहीं दिखेगा। मैंने ये प्रोसेस कर चुका था, अभी मैं आपको दिखाया। ये दोस्तों नया बूट एनिमेशन है मोटो जी फोकस का नबेट के बाद। तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि वो मैसेज अब गायब हो चुका है। कि आप देख रहे हैं दोस्तों वो मैसेज गायब हो चुका है। तो आपके सामने भी ऐसा ही कुछ ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।